आज के इस नए वीडियो में बताने वाला हूँ आप सभी लोगों को पेटीएम के एक हिडन चार्जेस के बारे में, जो कि आप लोगों को शायद नहीं पता होगा। बहुत से लोगों के हर महीने 100-200 रुपए बड़े आसानी से पेटीएम यहाँ पर आपसे ले रहा है। ये पेटीएम नहीं ले रहा, बेसिकली एक सर्विस है, उसे आपने कहीं ना कहीं एक्टिवेट करवा होगा, उसकी वजह से 100-200 रुपए हर महीने आपके जा रहे होंगे। मेरे केस में यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, मेरे यहाँ पे 100 रुपए कटे हैं 18 दिसंबर को, उसके बाद पहले देखें 17 अक्टूबर को, उससे पहले 11 अक्टूबर को, उससे पहले 11 अक्टूबर को, उससे पहले 12 सितंबर को, उससे पहले 11 सितंबर को, ऐसे कुल मिलाकर के मेरे यहाँ पे 600 रुपए पिछले 3-4 महीने में डेबिट हो चुके हैं। अब ये 600 रुपए क्यों डेबिट हुए हैं पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। बेसिकली अगर पेटीएम के ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में जाकर चेक कर रहा हूं तो ये बोलते हैं NACH, नाच रिटर्न चार्जेस। ये नाच रिटर्न चार्जेस क्या होता है, मैंने गूगल पे काफी सर्च किया, पेटीएम के चैट सपोर्ट पे उनसे बात करी, ईमेल से मैंने बात किया, पूरी जानकारी मेरे को यहाँ पे इस वीडियो में मिल चुकी है। पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, काफी ज्यादा हेल्पफुल ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। अगर आपके भी 100 रुपए NACH लिख के कटा होगा तभी आपने यूट्यूब पे ये वीडियो सर्च किया होगा, तभी आपके सामने ये वीडियो आया होगा। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, सारी जानकारी मैं बताने वाला हूं और कैसे इसे हटाते हैं, कैसे इसको बंद करते हैं ताकि फ्यूचर में आपके जो है 100-100 रुपए नहीं कटे, क्या करना होगा सारी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। चैनल पे घूमते फिरते आओ तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे मिल सके। देखो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, हम क्या करते हैं कुछ एप्लीकेशंस को ऑटो पेमेंट, यानी कि ऑटोमेटिक जब एक डेट आएगी तब ऑटोमेटिकली हमारे अकाउंट में यदि सफिशियंट फंड होगा तो ऑटोमेटिकली वो पैसा कट जाए। यहां पर मैंने ग्रो में, ग्रो एप्लीकेशन आती है ना, उसके अंदर बेसिकली एक SIP को कर रखा था, उस SIP का पैसा हर महीने ऑटोमेटिक मेरे पेटीएम पेमेंट बैंक से कटता था, लेकिन जब जब ये 100 रुपए कटे हैं इसका मतलब उस टाइम पे मेरे पेटीएम पेमेंट बैंक में उतने रुपए नहीं थे जितने रुपए की मेरी SIP थी, तो इन्होंने एज अ पेनल्टी मुझे यहाँ पे 100 रुपीज चार्ज लगा दिए। अब इसको बंद कैसे करना होता है, इसके लिए क्या प्रोसेस होता है, मैंने यहाँ पे इनके चैट सपोर्ट में जाके बात किया 24/7 पे, तो इन्होंने बताया कि ना है ना, देखो ऊपर मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा हर चीज का ताकि आपको आसानी से देखने को मिल सके। ए पेनल्टी ऑफ 100 रुपीज वाज चार्ज फ्रॉम योर अकाउंट नाच मेटनेट प्रेजेंट इन योर अकाउंट रिटर्न ड्यू टू इनसफिशियंट बैलेंस इन योर अकाउंट। इस तरह से, एक तरह से पैसा नहीं था इसलिए उन्होंने चार्ज लगा दी। अब मैंने पूछा इनको, भैया ये नाच को बंद कैसे करते हैं, NACH जो इनका चार्ज होता है उसे बंद कैसे करते हैं। बहुत सिंपल सा तरीका इन्होंने बताया कि आप पेटीएम एप्लीकेशन में जाइए, पेटीएम पेमेंट बैंक को लॉगिन करिए, स्क्रॉल डाउन करिए, यहां पर आपको ऑल सर्विसेज का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अभी स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा आपके लिए ताकि इजीली आपको सारे चीजें यहां पे मैं क्लियर करने वाला हूं। क्लिक टू ऑटोमेटिक पेमेंट मर्चेंट टू व्यू ऑल नाच। अब मैंने सिंपली यहां पे इसी प्रोसेस को दोहराया, सबसे पहले मैं पेटीएम पेमेंट बैंक में गया, नीचे की तरफ आप देखेंगे ऑल बैंक सर्विसेज लिखा हुआ आ रहा है, यहां पर मैंने क्लिक किया और यहां पर मेरे को बोल रहा है कि भैया आप चेक कर लीजिए ऑटोमेटिक पेमेंट टू पेटीएम अकाउंट, और नीचे लिखा हुआ है मर्चेंट, ऑटोमेटिक पेमेंट टू मर्चेंट, यहां पे मैंने क्लिक किया। उसके बाद देखो यहां पर मेरे पास ये लिखा हुआ है इंडियन क्लीनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यहां पर 1,00,000 रुपए तक का पेमेंट मेरा एज SIP के रूप में, मैक्सिमम जो होता है मिनिमम 500,000 जो भी आप देते हो उसमें इस तरीके से परमिशन अलाउ करनी पड़ती है। यहां पर देख सकते हैं एक्टिव और कैंसिल, दो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, मेरा एक चीज यहाँ पे एक्टिव है, मेरी और भी चीजें थी वो जो ऑलरेडी मैं कैंसिल कर चुका था, पहले मेरे चार्ज कटे लेकिन गलती से ये रह गया, इसीलिए इन्होंने 100 रुपीज मुझे चार्ज कर दिए। इसे भी मेरे को बंद करना है, सिंपली इसके ऊपर ही मुझे टैप किया। उसके बाद देखो ये बोल रहा है कि भैया आपका पहले से कैंसिल ये करे हुए थे, इसको भी आप कैंसिल करना चाहते हो तो कैंसिल कर दीजिए। और यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं लास्ट मेरा 18 दिसंबर को कटा था, उस दिन मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मेरे यहाँ पे चार्जेस कट गए। तो इस तरीके से इसे आप कैंसिल कर सकते हैं, एक्टिव वाले बटन पे क्लिक करना, जो जो यहाँ पे एक्टिव आएंगे उन सबको बंद कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में कोई भी पेमेंट ऑटोमेटिकली डेबिट नहीं हो। और आपको लगता है कि मेरे को ऑटोमेटिक की बहुत ज्यादा जरूरत है तो सफिशियंट फंड रखिएगा, अगर पैसा नहीं हुआ तो ये 100 रुपए आपके बार बार काट लेंगे। ये जानकारी आपको कैसी लगी जरूर से वीडियो को लाइक करके बताइएगा, अगर आपका कोई डाउट है इससे रिलेटेड कुछ और पूछना चाहते हो तो कमेंट करिएगा। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करा चुका हूं, इस टॉपिक से रिलेटेड और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।